एक इंसान सफल होने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन उसके मन में फेल होने का एक डर होता है। उसके मन में बार बार ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो आगे क्या होगा, सब हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। कई बार तो हम इसी वजह से कोई स्टेप नहीं उठा पाते। हमारे मन में फेलियर का डर इस कदर बैठ गया होता है कि हम ना तो अवसर का लाभ उठा पाते हैं और ना एक स्टेप लेकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। कोई नया काम शुरू करने से पहले मन में फेल होने का ख्याल आता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आइडिया पर, अपने बनाए हुए प्लान पर विश्वास ना करें, फेलियर के डर से ही चुपचाप बैठे रहे और अपने सपनों का गला घोटकर ही मार डाले। माना रिस्क लेकर कोई नया काम शुरू करना आसान नहीं होता, और आसानी हो फिर भी फेलियर के डर से ही वो मुश्किल लगने लगता है। सच्चाई कहूँ तो फेलियर का डर हमें कदम बढ़ाने नहीं देता। हम कोशिश ही क्यों ना करना चाहे, बस हम काम को बार बार टालते जाते। आज करेंगे, कल करेंगे, और इस आजकल के चक्कर में कोई दूसरा बाजी मार लेता है। हमें कोई काम शुरू करने से पहले अपने अंदर के फेर को खत्म करना होगा, डर से जीतना होगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम एक स्टेप लेंगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाए। हमें ये नहीं सोचना कि हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे, बस हमें उस काम में अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है। डर को एक कदम से खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन किसी काम की शुरुआत करके तुम अपने डर को खत्म कर सकते हो। अगर तुमने आज नहीं किया, डर कर बैठे रहे, तो जिंदगी भर तुम आम बनकर रह जाओगे। अगर तुम्हें आम से खास बनना है तो इस बात को तुम्हें याद रखना ही होगा, डर के आगे जीत है। फेलियर का डर तुम्हें किस्मत के भरोसे बैठना सिखा सकता है, लेकिन तुमने आगे बढ़कर शुरुआत ही नहीं की, तब कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़ोगे तब तुम खुद को वहीं पाओगे जहां तुम अभी हो। कोई इंसान इसलिए अपने काम में सफल हो पाता है क्योंकि वो बार बार कोशिश करता है। फेल होने पर भी वो कभी निराश नहीं होता, फेल होने का डर भी उसके मन में रहता है, लेकिन वो इस बात को बखूबी जानता है कि अगर आज उसने कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर फेलियर का डर उससे चिपक जाएगा और वो कभी भी अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पाएगा। मेरे दोस्त, मरते दम तक कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त, तुम बार बार फेल हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी काम में असफल होने पर हमें लगने लगता है कि अब उस काम में सक्सेस को अचीव करना ये पॉसिबल ही नहीं है। फेल होने पर दिमाग में एक तरह का डर बैठ जाता है और हम कोशिश करना बंद ही कर देते हैं, लेकिन तुम्हें कोशिश जारी रखनी है। फेल होने का मतलब लाइफ का अंत नहीं है। फेल होने की डर की वजह से ही हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। मंजिल के करीब पहुंच कर ही बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और कोशिश ही नहीं करते। आपने मोहम्मद रफीक साहब का गाना सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये जरूर सुना होगा। हम भी बार बार ये बोलते रहे कि अगर हम फेल हो गए तब लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, हमारे बारे में सब तरह तरह की बातें होंगी। इसी डर की वजह से हम कोई स्टेप नहीं उठा पाते। आपकी लाइफ में चाहे आप पास हो या फेल, लोग किसी ना किसी तरह से निशाना बनाकर आपकी बात करेंगे। इसी डर से कोई स्टेप नहीं उठाते, तब ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमें बेकार की बातों को दिमाग से निकालना होगा। आप चाहे कुछ अच्छा करें या बुरा, लोगों को जो कहना है वो कहेंगे। अगर हम उनकी बातों को पकड़ कर बैठ गए तो लाइफ में कभी भी हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने सेट किए हुए गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। कभी भी बड़ी सफलता पाना संभव नहीं है। जितने भी लोग महान हुए हैं, जिन्होंने बड़ी से बड़ी सफलता पाई है, उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बस अपने काम पर फोकस किया। आपको बस अपने काम के बारे में सोचना है और आगे बढ़ते जाना है। एक दिन आएगा जब ये पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है ना, वो है क्या कहेंगे लोग। याद करो, जब हम छोटे थे, बड़े से बड़े पेड़ पर भी हम आसानी से चढ़ जाया करते थे। उस समय हमारे अंदर विश्वास की कोई कमी नहीं थी। हमें किसी तरह का फेल होने का डर नहीं होता था। हम जैसा करना चाहते थे वैसा ही करते थे। लेकिन बचपन का वो विश्वास अब डाउट में ही बदल कर रह गया है। अब कुछ भी करने से पहले हम फेलियर के बारे में पहले सोचते हैं, और सफल होंगे या नहीं ऐसी इमेजिनेशन के साथ जब हम शुरुआत करते हैं तो फेल होने का डर अपने आप ही हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए सफलता और असफलता के बीच हम झूलते रहते हैं और खुद पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बचपन में कैसे जो हमें करना होता था वो बिना डरे कर देते थे, उसी बचपन को हमें अपने अंदर अपने लाइफ में फिट करना है। विश्वास के दम पर हम दुनिया जीत सकते हैं। बस हमें खुद पर भरोसा करना है और फेलियर के डर को पीछे छोड़ देना है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।